नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त मैं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है खबरें अब तक का। खबरें अब तक में आज बात करेंगे प्रियंका गांधी के नए अवतार पर, मणिपुर में रोते बिलखते इंसानियत के किस्सों पर और भारत को मिली एक नई ताकत पर। ऐसे तमाम मुद्दों पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चिन्मय दास के समर्थन में बयान जारी किया। बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन से मिलेगा 5 संतों का डेलीगेशन। बांग्लादेश कोर्ट ने इस्कॉन पर प्रतिबंध पर लगाने से किया इनकार, सरकार को दे डाली बड़ी नसीहत। जम्मू कश्मीर में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। बंगाल में हिंदू महासभा के सदस्यों और पुलिस के बीच हाथापाई की खबर आई सामने। भारतीय नौसेना को मिली K4 मिसाइल, घड़ियाल की तरह समुन्द्र में छिपकर तबाह कर देगी बीजिंग इस्लामाबाद। हेमंत सोरेन चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। दिल्ली के प्रशांत विहार में मिठाई की दुकान के पास स्कूटर में धमाका, सफेद पाउडर जैसी चीज मिली। मैक्सिको की राष्ट्रपति से बातचीत के बाद ट्रंप ने अवैध प्रवासी मामले में जीत का दावा किया। सेंसेक्स करीब 1200 अंक लुढ़क कर 80,000 से फिसला। दिग्गज शेयरों में गिरावट से निफ्टी 360 अंक नीचे पहुंचा। हेडलाइंस के बाद आपका स्वागत है, रुक करेंगे अब हमारी खास रिपोर्ट की ओर। प्रियंका गांधी वाड्रा ने केरल के वायनाड सीट से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद में कदम रखा है। गुरुवार को उन्होंने संसद में शपथ ली और इस दौरान राहुल गांधी ने अपनी बहन के साथ एक खास पल बिताया। जैसे प्रियंका शपथ लेने जा रही थी, राहुल गांधी ने उन्हें रुकने के लिए कहा और स्टॉप, लेट मी ऑल्सो टेक योर फोटो। फिर राहुल ने फोन निकालकर प्रियंका की तस्वीरें ली और ये पल सभी के लिए यादगार बन गया। आप भी देखें ये वीडियो। वहीं प्रियंका ने शपथ हिंदी में ली और संविधान की एक प्रति अपने हाथ में रखी थी। शपथ के बाद कांग्रेस सांसदों ने भारत जोड़ो के नारे लगाए। इसके बाद प्रियंका ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विपक्षी नेताओं का हाथ जोड़कर अभिवादन किया और राहुल ने उन्हें गले लगाकर बधाई दी। देखा जाए तो प्रियंका गांधी का संसद में प्रवेश केवल उनके लिए एक नई शुरुआत नहीं है, बल्कि सियासी बदलाव भी है। वो वैसे भी कांग्रेस के लिए कई बार संकट मोचन बन चुकी हैं। राजस्थान में सचिन पायलट के साथ बगावत को शांत करने की भूमिका हो या हिमाचल प्रदेश में पार्टी के जीत की रणनीति में उनका योगदान, प्रियंका गांधी ने हमेशा पार्टी की सियासी नीतियों को मजबूती दी है। उत्तर प्रदेश में भले ही कांग्रेस को असफलता मिली हो, लेकिन प्रियंका की सियासी सूझबूझ और धैर्य ने उन्हें एक जिम्मेदार नेता के तौर पर जरूर सामने किया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस समर्थक प्रियंका गांधी ने इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं और उनके लिए ये पल काबिले गौर है। लंबे समय से उनके समर्थक उन्हें चुनावी राजनीति में सक्रिय भूमिका में देखना चाहते थे और अब जब वो संसद में पहुंच चुकी हैं, उनकी अगली बड़ी चुनौती कांग्रेस को गांधी नेहरू परिवार की धरोहर के साथ नए आसमान तक पहुंचाना होगा। पिछले 25 वर्षों से स्टार प्रचारक की भूमिका निभाने के बाद प्रियंका का ये नया अध्याय उनके लिए राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि पहली बार सांसद के रूप में शुरुआत कर रही प्रियंका गांधी के सामने कांग्रेस को जीवन और प्रभावशाली बनाने की पुरानी चुनौती बरकरार रहेगी। फिलहाल इसी के साथ हम रुक करेंगे हमारी अगली रिपोर्ट की ओर। एक तरफ देश के हजारों मुद्दे हैं तो एक तरफ अकेले मणिपुर है, जहां जिंदगियां खुद से ही जंग लड़ रही हैं और उनकी सुनने वाला कोई नहीं। सरकार तो जैसे मणिपुर को भूल ही चुकी है। मणिपुर की धरती इन दिनों मानवता के सबसे काले अध्यायों में से एक को लिख रही है। जिरीबाम जिले में एक ही परिवार के 6 निर्दोष सदस्यों की हत्या ने समूचे देश को झकझोर कर रख दिया है। ऑटोप्सी रिपोर्ट ने ऐसे खुलासे किए हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मासूम बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक किसी को भी क्रूरता में नहीं बख्शा गया। गोली के निशान, शरीर पर गहरे जख्म और सबसे दर्दनाक आंखों का गायब होना, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो मानवता को शर्मसार करती है। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि क्रूरतापूर्ण अत्याचार था जो मानवीय मूल्यों को पूरी तरीके से तार तार कर देता है। मगर अफसोस कि सरकार को इससे क्या। बताया जा रहा है कि परिवार मेती समुदाय से था और आरोप है कि कुकी उग्रवादियों ने उनका अपहरण कर उनकी हत्या कर दी। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई
ऑटोप्सी के मुताबिक 10 महीने के लैशराम लमंगनबा के शरीर पर काटने का घाव था, सिर अलग था, दोनों आंखें गायब थी। 8 साल की तेलन थजंगनमी के शरीर पर कई गोलियों के निशान थे और पेट में गंभीर चोटें आई थी। 31 साल के तेलन थोइबी के सिर में गंभीर चोटें आई थी, खोपड़ी की हड्डियां टूटी हुई थी। देखा जाए तो ये घटना मणिपुर में जारी जातीय हिंसा का एक और गहरा जख्म है। मेती और कुकी समुदायों के बीच चल रहे लंबे समय से तनाव अब हिंसा के ऐसे भयानक रूप में सामने आ रहा है जिसने पूरे राज्य को आग में झोंक दिया है। सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, हजारों बेघर हो चुके हैं, मगर सरकार है कि उसे तो चुनावों से फुर्सत नहीं मिल रही है। मणिपुर के इस हालत पर पीएम मोदी चुप हैं, और इससे भी अफसोसजनक बात और क्या होगी, देश के प्रधान ने ही देश के एक खूबसूरत इलाके को आग में जूझने के लिए छोड़ दिया है। फिलहाल वक्त है हमारी अगली रिपोर्ट की ओर बढ़ने का। अब भारतीय सेना को सीमावर्ती इलाकों में रसद और सामान पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक नई तकनीक के रूप में सेना को सबल 20 नाम का ड्रोन मिला है जिसे एंड्योर एयर सिस्टम्स ने तैयार किया है। इस ड्रोन की डिलीवरी बुधवार को पूरी हुई और अब ये सेना को उन इलाकों में भी रसद में पहुंचाने में मदद करेगा जहां सेना के वाहन भी नहीं जा सकते। इसके अलावा ये ड्रोन आपदा राहत कार्यों में भी मदद करेगा। सबल 20 का इलेक्ट्रिक हेलीकॉप्टर की तरह है जिसे खासतौर पर दूर दराज इलाकों में सामान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये ड्रोन 20 किलो तक का सामान एक बार में लेकर उड़ सकता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि अपने वजन का 50% तक भार लेकर भी उड़ सकता है। इसे चिनकू हेलीकॉप्टर की तर्ज पर तैयार किया गया है जिससे ये और भी ज्यादा प्रभावी बन गया है। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि कम शोर करता है जिससे दुश्मन को इसके आने का पता नहीं चलता है। एंड्योर एयर के सह संस्थापक अभिषेक ने कहा कि उन्हें गर्व है कि वे भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। अब सबल 20 भारतीय सेना के लिए एक नए युग की शुरुआत है जिससे उनका हर मिशन और भी आसान होगा। भारत की स्वदेशी तकनीक ने एक और बार साबित कर दिया कि हमारे देश में हर चुनौती का समाधान है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सबल 20 भारतीय सेना के लिए सिर्फ एक ड्रोन नहीं बल्कि क्रांतिकारी तकनीक है जो न केवल सीमाओं पर मौजूद हमारे सैनिकों की जीवन रेखा बनेगा बल्कि हर तरह की कठिन परिस्थितियों में सेना की ताकत और पहचान भी बनेगा। फिलहाल खबरें अब तक में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बात जरूर करेंगे। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो चुका है, मगर अफसोस कि विपक्ष के हंगामे के बीच बार बार दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को स्थगित किया जा रहा है। हर रोज हंगामा हो रहा है जिससे जनता के मुद्दों पर तो कोई बात नहीं हो पा रही है। विपक्ष बस अपने फायदे के मुद्दे को लेकर बैठा है। विपक्ष को अब ये समझना होगा कि संसद एक महत्वपूर्ण मंच है जहां देश की तरक्की और जनता की भलाई के लिए चर्चा होनी चाहिए, ना कि बेकार मुद्दों पर समय बर्बाद करना चाहिए। हर बार जब संसद में अनावश्यक मुद्दों पर हंगामा होता है तो ना केवल संसदीय कार्यों की कार्यवाही रुकती है बल्कि जनता का विश्वास भी टूटता है। इस समय जब देश को गंभीर मुद्दों जैसे विकास, सुरक्षा और रोजगार पर ध्यान देने की जरूरत है, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार पर ध्यान देने की जरूरत है, तो विपक्ष का संसद को इस तरह का बेमतलब बहसों में उलझा देना कहीं से भी उचित नहीं है। ये वक्त है विपक्ष अपने राजनीतिक खेलों को छोड़कर देश हित में संसद की कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग ले और सरकार से केवल कुछ मुद्दों पर सवाल उठाने के बजाय सही दिशा में काम करने का अवसर प्रदान करे। फिलहाल के लिए खबरें अब तक में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।